जब भगवान को गुण वर्णन करेंगे तो थोड़ा होएगा। नारद जी तो गुण बखान कर रहे हैं और रुक्मिणी सुन रही थी खड़ी खड़ी। इसलिए तो भगवान को पहले श्रवण से ही जाना जा सकता है, सुनना, सुनोगे नहीं तो कुछ फल नहीं पड़ेगा। और कथा में क्या है यही तो बताया जाता, भगवान कैसे हैं, कितने सबल हैं, कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं। रुक्मिणी सुन रही थी, वो सुनते ही सुनते रुक्मिणी ने अपने पल्ले में गांठ लगा ली, विवाह करूंगी तो द्वारिका नाथ के साथ, अन्यथा नहीं। और कहूँ की बात मालूम नहीं। नारद जी तो चले गए, रुक्मिणी को भैया हो बड़ो जाको नाम हो रुक्मी, एक चांडल चौकड़ी का आदमी था, जरासंध, विदुरत, शिशुपाल, दंतवक्र और रुक्मी एक साथ बैठ गए मस्ती लेते हैं। जरासंध की भगवान कृष्ण की लड़ाई है, गई चुकी है। रुक्मी जो आयो, भीष्म बोले बेटा मैंने तेरी बहन के ताई बर देख लियो है। कौन है? बोले कृष्ण। ओ कृष्ण को नाम लेते ही आग लग गई रुक्मी। पिताजी बैठे रहो, जब बेटा घर में जवान हो जाए तो पिता को फिर ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सब देख लूंगा। रंग को कारो, माखन को चरावन हारो, काको बनोगो में सारो, गाम को नहीं, नाम को नहीं, जात को नहीं, पात को नहीं, अरे मथुरा जन्म लियो, गोकुल गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका, ऐसे कहीं ब्याह है करे। अब काबू ने जवान बेटा के आ गया, गए शिशुपाल के तिलक कर आए। ये इनकी चौकड़ी का आदमी था, तारीख पक्की हो गई विवाह की। रुक्मिणी तो बाई दिना से अन्न छोड़ दियो और भगवान के भजन में लग गई। प्रभु रक्षा करना, शरीर कृषित होता जा रहा है, किससे कहें आतंक इतना घर में, रुक्मिणी का कोई बोल नहीं सके। विवाह की तारीख पास में आती जा रही है, अचानक अच्छा हुआ रुक्मिणी के महल में इनकी कुल पुरोहिता नहीं आ गया, ब्राह्मणी। रुक्मिणी को देख कर तो बोली, अरे जिस लड़की की शादी होती है वो तो बड़ी खुश रहती है और तेरा चेहरा इतना कुमला गया है, क्या बात है, क्या चिंता है। रुक्मिणी बोली, कोई तो पूछ भी आयो। रुक्मिणी के गले में एक बड़ सुंदर हार पड़ा हुआ, सुंदर हार। वो हार लेकर के रुक्मिणी ने अपने गले में से ब्राह्मणी के गले में डाल दियो। आहा, खुश है गई ब्राह्मणी। ऐसो हार ब्राह्मणी ने जीवन में ना देखो कभी। ब्राह्मणी बोली, रुक्मिणी ब्याह शादी में तो 50 काम भयो करे, कछु मेरे लायक काम हुई तो बताइयो। रुक्मिणी बोली, कामना तो का हार वैसे ही डाल दियो, यही तो हार कोई ना डाले, हार पहनो तो संभल के पहनी, तो नाम ही हार है। रुक्मिणी बोले, काम तो है ही, कहाँ काम है। बोले, मैं एक चिट्ठी लिख करके दूँ, जाए द्वारिका पहुंचाओ। अब मने कैसे करें हार के चक्कर में। बड़ी सुंदर चिट्ठी लिखी है रुक्मिणी ने, सत्वा गुणान भवन सुंदर सुनवताम ते, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन्नताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंगतापम रूपम त्रिसाम त्रिसमताम अखिलांतराभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम मे। हे नाथ, जादना से मैंने आपके गुण सुने हैं, बैदना से पल्ले में गांठ लगा ली है, विवाह करूंगी तो द्वारिका नाथ के साथ, अन्यथा विवाह नहीं करूंगी। आप ये कहो कि रुक्मिणी, जादना तुमने गांठ लगाई हमसे पूछ नहीं का, अरे तुमने पसंद किया हम नहीं पसंद करते हैं। बोले, कोई बात नहीं, एक जन्म नहीं 100 जन्म धारण करने पड़े, विवाह करूंगी तो द्वारिका नाथ के साथ। एक समस्या है, क्या? बोले, सिंह का भाग यदि गीदड़ ले जाए तो मेरे बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ विवाह में लड़की गिरजा के मंदिर में पूजा करने जाती है, मैं भी जाऊंगी, वही समय उचित रहेगा, मिलने का इंतजार करूंगी। चिट्ठी लेके ब्राह्मणी के हाथ में दे दी। अब ब्राह्मणी चिट्ठी ले तो आई, पर चिट्ठी जाए कैसे, क्योंकि ब्राह्मणी तो जाए भी तरी, मैं तो चिट्ठी ब्राह्मणी ले जा सके।
ब्राह्मणी में और ब्राह्मण में बनती नहीं, कभी हमेशा विरोधाभास। लेकिन आप चिट्ठी लाई है हार के चक्कर में, सके। हालांकि सुसपाल की बरात में बड़े बड़े महाथी आए हैं। गिरजा पूजन का समय आया, रुक्मणी पूजन के लिए गई, मंदिर में पूजा करी है, भगवान प्रार्थना करी है, निकल करके आई है भगवान मंदिर के बाहर। रुक्मणी ने जैसे ही बाल उठा करके देखा, सामने भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को रथ में बिठाया और द्वारिका लेकर गया। ये हल्ला मच गया, ले गया ले गया, कौन बोले कृष्ण ले गया। रुक्मी ने पीछा किया है, या तो अपनी बहन को लेकर के आऊंगा या फिर इस नगरी में वापिस नहीं आऊंगा। तो भोजगढ़ नाम की दूसरी जगह तैयार की है रुक्मी ने। रुक्मणी को लेकर के भगवान द्वारिका पधारे हैं और द्वारिका में समस्त द्वारिकावासियों ने विदर्भ से महाराज भीष्मक को बुलाया गया है। मिलकर के द्वारका वासियों ने, विदर्भ वासियों ने श्री कृष्ण रुक्मणी मंगल का उत्सव मनाया है। बोलो श्री कृष्ण रुक्मणी भगवान।